लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र जेताखेड़ी गांव के फंटे के पास एक कार अनियंत्रित होकर 150 फीट दूर जा गिरी। कार में दो व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घायल का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमहला में चल रहा है। वहीं मृतक को मरचूरी में रखवाया गया है। आपको बता दें कि दोनों व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम करते थे और झालरा पाटन से मध्य प्रदेश के रतलाम जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये जितेंद्र मीणा और जितेंद्र सोलंकी रतलाम के रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं, जैसा पूछताछ में सामने आया है। ये परसों 17 तारीख को घर से कहीं मंदसौर या इंदौर की कहकर निकले थे अपनी कार से। कल रात को झालरापाटन से आते समय जैताखेड़ी फंटा पर इनकी गाड़ी पलटा खा गई, जो रोड से काफ़ी दूर खेत में जाकर गिरी है। जितेंद्र मीणा की मौके पर मृत्यु हुई और जितेंद्र सोलंकी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया ला के। अभी इनके परिजन आ चुके हैं, उन्हें सूचना की थी। जितेंद्र मीणा का भी पोस्टमार्टम कराया जाए। ठीक, तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।